जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स जगत से निकल के आ रही है बहुत बड़ी खबर। नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। 34 साल एक पुराने रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुना दी गई है। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज केस में लगा बड़ा झटका। उनको सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। यह रोड रेस मामला 1988 का है। नवजोत सिंह सिद्धू को पहले इस मामले में राहत मिल गई थी, लेकिन रोड रेस में जिस शख्स की मौत हुई थी उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया था। अब उस पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को 1 साल का सश्रम यानी कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। आईपीसी धारा 323 के तहत सिद्धू पर 34 साल पहले दर्ज केस हुआ था, इसमें अधिकतम 1 साल का सजा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक अब सिद्धू को पंजाब पुलिस कस्टडी में लेगी। चलिए आपको बताते हैं कि ये मामला कब का था और कैसे हुआ था। बताया जाता है कि 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रुपिंदर सिंह संधु के साथ पटियाला के शेर वाले गेट के मार्केट पहुंचे थे। ये जगह उसके घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। उस समय सिद्धू एक जाने माने क्रिकेटर थे। उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू हुआ 1 साल हो चुका था। उस मार्केट में कार पार्किंग को लेकर यानी 65 साल के बुजुर्ग नामक गुरमान सिंह के साथ बहस में हो जाती है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। सिद्धू ने गुरमान सिंह को घुटने से मार के गिरा दिया था। उसके बाद गुरमान सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो जाती है। रिपोर्ट में आया कि गुरमान सिंह की मौत दिल के दौरा पड़ने से हुआ था। उसकी मौत सिद्धू और उसके दोस्त रुपिंदर पर कोतवाली थाने पर गैर इरादन हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाता है। सेशन कोर्ट में केस चलता है। 1999 में सेशन कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। साल 2002 में पंजाब सरकार ने सिद्धू के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। इस बीच सिद्धू राजनीति में आ जाते हैं। 2004 में लोकसभा चुनाव में अमृतसर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ता है और जीत जाते हैं। दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट का फैसला आता है। हाईकोर्ट में सिद्धू और संधू को दोषी ठहराया जाता है और तीन तीन साल की सजा सुना दी जाती है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया जाता है। सिद्धू ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था उस समय तक। साल 2006 में हाईकोर्ट में फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई। सिद्धू की ओर से बीजेपी के उस समय के बड़े नेता अरुण जेटली ने केस लड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पर रोक लगा दी थी। 15 मई 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने सेशन 328 के तहत दोषी पाया जाता है, लेकिन गैर इरादतन हत्या 304 के तहत दोषी नहीं पाया जाता। इसमें सिद्धू को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर 12 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पटिशन पर सुनवाई के लिए तैयार हो जाती है। मार्च 25 2022 को रिव्यू पटिशन पर अपना फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख दिया और इसी के तहत अब सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सश्रम कारावास की सजा सुना दी गई है। ताज़ा जानकारी के लिए बने रहे B20 स्पोर्ट्स के साथ। हम आपको और भी आने वाले खबरों में बताते रहेंगे। धन्यवाद।